ठीक दोस्तों, और जैसा कि मैं बात कर रहा था, देखिए एक आरओबी ये है 4C और इसी के आगे है 5C और जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है वह शहर का भी कार दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा अभी बचा हुआ है। ये जो लोहे का जो राड देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के लारदारा में। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिवपुर फुलवरिया फोर लेन के नज़ारे। हालांकि दिखाया तो एक जो रास्ता है वो शुरू हो गया है, मैं जहाँ से रास्ता जो शुरू हुआ है मैं वहीं से आपको सीन दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये फ्लाईओवर जो है इसके ठीक सामने देखिए इस साइड है राम जानकी मंदिर, यानी कि अगर आप शिवपुर से आ रहे हैं तो लारतारा चौराहा पार करते हुए यह जो रास्ता है ये चला जाएगा आपका बरेका होते हुए, भिखारीपुर होते हुए, जो कि NH 90 हाईवे में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस साइड से हम लोग बाइक राइड करते हुए आपको लेकर चलते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे जो कि यह जो फ्लाईओवर यानी आरओबी जो है यह चालू कर दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चार पहिया वाहन दो पहिया वाहन का जो आवागमन है वह भी शुरू हो गया है। यह आवागमन जो शुरू हुआ है यह शुरू हुआ है बुधवार से। ठीक है, यानी कि देखा है तो अभी एक साइड का भी बचा हुआ है आरओबी का निर्माण कार्य। ये देख रहे हैं इस साइड है लहरतारा चौराहा, जो कि दाहिने साइड वाला रोड ये जो है ये सीधे चला जाएगा वाराणसी जंक्शन के लिए, और वही बाएं साइड वाला जो रास्ता था वह चला जाएगा रोहनिया के लिए। ये देख रहे हैं एक तरह से देखा जाए यह जो सीधे रास्ता है यह चला जाएगा कचहरी के लिए, शिवपुर के लिए, बाबतपुर के लिए, सिकरौल के लिए और शिवपुर रेलवे स्टेशन के लिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में जो लागत है वह है 400 करोड़ रुपए और लंबाई के बारे में बात किया है तो लगभग 5 किलोमीटर से अधिक लंबा यह रोड बना हुआ है, जिसमें से 2 आरओबी है और 1 है फ्लाईओवर। यानी कि देखिए जैसा कि मैं बात कर रहा, देखिए इस साइड का जो रास्ता है अभी भी बंद है, यानी कि इस साइड का भी कार्य जारी है और आने वाले कुछ महीनों में वह भी जो रास्ता है वह शुरू हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और जैसा कि मैं बात कर रहा था, देखिए एक आरओबी ये है 4C और इसी के आगे है 5C और जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है वह वरुणा नदी पर बना हुआ है फ्लाईओवर, और वरुणा नदी से पहले ही एक अंडरपास भी बनाया गया है। अंडरपास हालांकि आने जाने के लिए नहीं बना हुआ है, वह बना हुआ है एक तरह से देखा जाए तो नाला बना हुआ है। ये देख रहे हैं जैसे ही यह आरओबी जब पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फुलवरिया गांव में, जो कि यहां से देखा जाए तो फुलवरिया जो है वो शुरू हो जाता है कुम्हारपुरा फुलवरिया। और दोस्तों कोशिश की है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल देखिए यह जो रोड था यह बना हुआ था, लेकिन गटर का पानी गिरने की वजह से ये रोड जो है फिर से ख़राब हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और आगे बढ़ने के बाद उस साइड कोने साइड में पूरा कूड़ा कबाड़ पूरा फेंका जाता था, लेकिन देख रहे हैं उसे भी साफ कर दिया गया है। और फिलहाल देखिए इस साइड पार्किंग एरिया बना दिया गया है, यानी कि अभी वाहनों का आवागमन कम है इसीलिए। और इस साइड है मिलिट्री कंपाउंड का दीवार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इस समय अपने वाराणसी में मौसम दिखाया तो कल भी बदरी टाइप का था और बारिश भी झमाझम हुआ था, और आज भी बदरी टाइप का मौसम है।
ये देखिए, अगर आप BLW साइड से आ रहे हैं तो जैसा कि मैं चढ़ा था यानी कि बाएं साइड वाले ROB पर, और वैसे ही अगर आपको शिवपुर साइड में जाना है तो देखिए इस साइड वाला जो है, बाएं साइड वाला जो अभी है ये ROB अभी बंद है, क्योंकि दाहिने साइड वाला जो खुला हुआ है ये सीधे चला जाएगा आपका शिवपुर के लिए। ये देख रहे हैं 4C पर देखा जाए तो दाहिने साइड में कार अभी बचा हुआ है, 5C पर देखा जाए तो बाएं साइड में कार बचा हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं इस साइड का भी कार दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा अभी बचा हुआ है। ये जो लोहे का जो राड देख रहे हैं इसे अभी लाना बाकी। और दोस्तों आपको बता दें कि यही जब ROB का निर्माण कार्य चल रहा था तो इस साइड बीच में पड़ने वाला जितने भी मकान था उसे तोड़ा गया था। देख रहे हैं पूरा सटा हुआ है ये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इस बीच में भी कई सारे मकान थे। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे मिलिट्री कंपाउंड का नजारा, ये देखिए आगे बढ़ने के बाद यहाँ से रास्ता जो है वो मुड़ जाएगा। देख रहे हैं लाइट भी लग चुका है, ये देख रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए इस रोड के बनने वजह से जो शहर में जाना पड़ता है जैसे अंदरा पुल हो गया नदेसर होते हुए, वहां पर काफी जबरदस्त वाला जाम लगता था, यानी कि लगभग जो 15 मिनट का जो सफ़र था वो 45 मिनट लगता था, लेकिन इसके बनने की वजह से मात्र आप 15 मिनट में जो कि लहर तारा बौलिया से आप शिवपुर के लिए जा सकते हैं, शिवपुर कचहरी बाबतपुर, और बाबतपुर जाने के लिए भी आसान हो जाएगा। वैसे बाबतपुर जाने के लिए आपको शहर से होते हुए यानी कि जैसे कि हो गया आपका वाराणसी जंक्शन जो कि ज़बरदस्त जाम मिलता है, और नदेसर और कचहरी साइड में शिवपुर, ठीक है। अब इसके बनने वजह से आप बहुत ही आसानी से बिना जाम के निकल सकते हैं। और सामने देखिए एक बोर्ड भी लग गया है, कचहरी 2 किलोमीटर, नदेसर 1 किलोमीटर, रिंग रोड जो है वो 8 किलोमीटर। नदेसर जाने के लिए देखिए इस साइड से जाना होगा। तो हम लोग 2 ROB पार कर चुके हैं, और ये तीसरा जो है ये है फ्लाईओवर जो कि वरुणा नदी पर बना हुआ है। ये तो सबसे पहले ही बन चुका था, ये देखिए वरुणा नदी देख रहे हैं, इसका भी पानी इसमें बढ़ा हुआ है। यानी कि मई में 2022 में यह बनकर तैयार हुआ, इसका जो लंबाई है वो है 107 पॉइंट कुछ मीटर है। और देखिए इस साइड भी आने वाले कई सारे मकान को तोड़ा गया था उस समय। देख रहे हैं सुबह हो गया है लेकिन लाइट अभी तक जल रहा है। चलिए मेन रोड पर चलते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आगे जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो कि एक बोर्ड भी लगा हुआ है, रिंग रोड जो है 8 किलोमीटर है, सर्किट हाउस जो है वो 1.5 किलोमीटर, यानी कि आपको दाहिने साइड में मुड़ना होगा। गाजीपुर भी जो है दाहिने साइड से मुड़ के मेन रोड पर आपको जाना होगा आशापुर होते हुए, और जौनपुर जो है वो 65 किलोमीटर, ठीक है। और कचहरी जाने के लिए देखिए आप इस साइड से चले जाएंगे कचहरी के लिए,
ठीक है, और शिवपुर जाना था, शिवपुर इस साइड से जाने के बाद आपको दाहिने साइड में मुड़ना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।